हेलो फ्रेंड्स, तोमर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं, चूंकि हमने अपने चैनल में डीसीए पीजीडीसीए से संबंधित वीडियोस हमने अपलोड किए हुए थे, जिसमें कि डीसीए के एग्जाम जो है वो 21 फरवरी से होने वाले हैं। तो जी हाँ, यदि आप माखनलाल चतुर्वेदी से डीसीए का कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीसीए के एग्जाम में जो क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट आने वाले हैं उससे संबंधित कुछ जानकारी हम आपको देंगे। तो चलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वैसे भी इस वीडियो को बहुत ही कम टाइम के लिए जो है छोटा सा वीडियो हम बना रहे हैं, तो वीडियो में हम बतलाने वाले हैं आपको डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत परीक्षा में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जी हाँ, यदि आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर है तो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, इसमें हम पूरा सिलेबस नहीं बतलाएंगे, केवल जो परीक्षा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं केवल हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जिससे आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो ला सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो इस यूनिट का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है, वो है कंप्यूटर के विकास के इतिहास को समझाइए। जी हाँ, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के विकास का इतिहास क्या है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की विभिन्न जनरेशन के बारे में बतलाइए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। जी हाँ, कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम बताइए, ये भी पूछा जाता है। उसी के अंतर्गत कंपोनेंट्स के बारे में पूछा जाता है कि इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, ठीक है, सीपीयू के अंतर्गत कौन कौन से भाग होते हैं, तो ये क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम की प्राइमरी मेमोरी के बारे में बताइए, रैम, रैम के प्रकार, रोम, रोम के प्रकार, ये भी एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन इस यूनिट में आएगा, कंप्यूटर के प्रकार बतलाइए, तो बकायदा आपको डायग्राम बना करके कंप्यूटर के प्रकार को जो है वो बतलाना है। तो ये थे यूनिट फर्स्ट के। यूनिट सेकंड के हम देखते हैं, हमने कहा भी था कि हम बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो यदि आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपकी अभी ही तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं और हमको क्या पढ़ना है। यदि आप हमारी वीडियो में नए हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लाइक आप जितना ज्यादा करेंगे, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट का वीडियो हम बिल्कुल जरूर अपलोड करेंगे। और यदि हमारे इस वीडियो में मैंने जितना एक्सपेक्ट किया हुआ उससे ज्यादा लाइक्स आ जाते हैं तो हम जो है पूरे सभी के आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि व्यूज अगर अच्छे होंगे तो हम जरूर इसके पूरी एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी जरूर बनाएंगे। अब यूनिट सेकेंड में देखते हैं, यूनिट सेकेंड का क्वेश्चन है, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न इनपुट डिवाइस के बारे में बताइए। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि कंप्यूटर में कौन कौन सी इनपुट डिवाइस इस्तेमाल होती है, जैसे कीबोर्ड, ठीक है, माउस, ये तो कुछ मुख्य हो गई, लेकिन स्कैनर, बारकोड रीडर, ठीक है, और भी बहुत सारे जो इनपुट डिवाइस है उनके बारे में परीक्षा में पूछा जाता है, या कोई 10 इनपुट डिवाइस के बारे में बताइए, ये जरूर क्वेश्चन परीक्षा में आता है। स्कैनर क्या है, ये भी इनपुट डिवाइस है लेकिन इसका क्वेश्चन अलग से पूछ लिया जाता है। मॉनिटर क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, सीआरटी, एलईडी, ये सारे मॉनिटर के बारे में एक्सप्लेन करना होगा। वीडियो स्टैंडर्ड के बारे में ये अक्सर पूछा जाता है, एसजीए, वीजीए, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटर क्या है, इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, फिर इंपैक्ट प्रिंटर के बारे में समझाना है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के बारे में समझाना है। तो ये थी सेकेंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड यूनिट में चलते हैं, थर्ड यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा स्टोरेज को समझाइए। नेक्स्ट है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को समझाइए, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में कौन कौन सी, प्राइमरी और सेकेंडरी में अंतर बतलाना है। प्राइमरी मतलब रैम और रोम हो गया, और सेकेंडरी मतलब आपका जैसे मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सेकेंडरी स्टोरेज हो गया। अब कौन कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, इन सब के बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑप्टिकल डिस्क, ये भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, सीडी, डीवीडी, सीडीआर, डीवीडीआरडब्ल्यू, ये सब के संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क की फिजिकल स्ट्रक्चर को समझाइए, तो थर्ड ईयर के क्वेश्चन है। फोर्थ ईयर में हम आते हैं, सॉफ्टवेयर क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, सॉफ्टवेयर के प्रकार बतलाइए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप क्या समझते हैं, कितने प्रकार की होती है,
ट्रांसलेटर से आप क्या समझते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, इसके प्रकार बतलाइए, नंबर सिस्टम से रिलेटेड भी इस यूनिट में क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। कुछ आपको नंबर सिस्टम दिया जाएगा, उसको आपको किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा। यूनिट फिफ्थ में आते हैं फंडामेंटल में, विभिन्न ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन चैनल्स के बारे में बताइए, कौन कौन सी केबल्स होती हैं जिसका इस्तेमाल कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है, प्रोटोकॉल कौन कौन से कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होते हैं, कम्युनिकेशन के विभिन्न प्रकार सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। मॉडेम क्या है, इंटरनेट को चलाने के लिए मॉडेम का इस्तेमाल किया जाता है। नेटवर्क के विभिन्न प्रकार बतलाइए, लैन, मैन, वैन, ये तो मोस्ट आईएमपी ये क्वेश्चन इस यूनिट में जरूर पूछा जाएगा। नेटवर्किंग के प्रकार बतलाइए, इसी प्रकार से लोकल एरिया नेटवर्क की टोपोलॉजी के बारे में बतलाइए, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, तो इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये थे डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक बटन में क्लिक करके लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।